Oh, hi, Sakshi. तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम को साक्षी बोलने की? मुझे पता भी है वो है कौन। अरे सुन सुन, ये ना मेरा बचपन का फ्रेंड है, ये मुझसे कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ये ज्यादा फ्रेंडली हो इसे ना इसकी औकात याद दिला देना। सुनाना तो इसे मैं भी चाहती हूँ, लेकिन शर्म आ रही है, बचपन का दोस्त है ना। अब मैं ना आपके सामने और इसके सामने अच्छे बनने का नाटक करूंगी, ठीक है? आप जाओ, इसे जलील करो, जाओ। आप चिंता मत करो मैडम, मैं सब संभाल लूंगी। मैडम वो बादल से रहती है, साक्षी और मैं ना बचपन में साथ में पढ़े थे स्कूल में, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। क्या क्या बकवास कर रहे हैं, मैडम तेरे साथ पढ़ी है, ये ख्याल ही पिलाओ ना, कहीं और जाके पकाइयो। मैडम कहाँ और तेरी औकात कहाँ, बकवास कर लो बस जो तुम्हारे मुंह में आए। आपको पता है साक्षी और मैं हम दोनों एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे। चल क्या बोला जा रहा मुंह खोल के, मैडम और तेरा टिफिन में खाना खाएंगी? अपने आप को देख और मैडम को देख, मैडम तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाती है, वो क्या तेरे दो पौड़ी की सूखी रोटियां खाएगी तेरी? अरे मैडम आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक साथ खाना खाते थे, आपको मेरी बात का भरोसा ही नहीं हो रहा, आप तो मेरी बातों को झूठा ठहरा रही है। अरे चुप कर बस, क्या बकवास कर जा रहा है, मैडम तेरे साथ नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, तुझे पता भी है वो कौन है? वो शेखर सर की होने वाली धर्म पत्नी है, अगर शेखर सर को पता चल गया ना तो तुझे ना नौकरी से 2 मिनट में निकाल देगा बाहर, समझा? जब मैडम मैंने आपको क्या है कि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में पढ़े हैं, आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, समझने की कोशिश करिए। साक्षी तू ही बता देना कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैडम इतनी देर से सुनाई जा रही है, मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही है, और जॉब से निकालने की धमकी लगती रही, तू कुछ कह क्यों नहीं रही? हाँ हाँ आंटी, सुमित ना बिल्कुल सही कह रहा है, ये और मैं बचपन के दोस्त हैं। देखिए आप प्लीज सुमित को कुछ मत बोलिए, क्योंकि अगर सुमित को कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम दोनों कभी भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है मैडम, आप कह रही हैं ना तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, वरना इसे ना मैं आज नौकरी से 9-2-11 करा देती आज। सुमित तुम्हें आंटी ने इतना कुछ बोला उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और मैं बीच में आंटी को रोक भी नहीं पाई बोलने से, उसके लिए भी सॉरी। वो क्या है ना, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और इन्हें पता भी नहीं था कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, अगर इन्हें पता होता तो ये इतना उल्टा बोलती नहीं। इसके लिए ना मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, वो इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, तुम बुरा मत मानना इनकी बातों का, ठीक है ना? सॉरी। अरे नहीं नहीं साक्षी, मैं मैडम की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना, मेरे तो इस बात की खुशी है जैसे तुम बचपन में थी ना अब भी बिल्कुल वैसे ही हो। अच्छा ठीक है सुमित, मैं ना तुझसे बाद में मिलती हूँ, ऊपर शेखर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं मिलती हूँ ना बाद में, अभी चलती हूँ, ठीक है बाय। अरे साक्षी आ गई तुम, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं शेखर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इनफैक्ट शशि मैम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। थैंक यू शशि मैम। अच्छा साक्षी, ये हमारा ऑफिस है, जैसा कि तुम्हें बताइए हमने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड किया है, तो हमने और भी ब्रांचेस खोल ली हैं, मैं और ब्रांचेस को मैनेज करूँगा और कुछ टाइम बाद तुम हमारे इस ऑफिस को मैनेज करोगी। श्योर शेखर, मैं इस ऑफिस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करूँगी। शशि मैम, साक्षी के बारे में आपको सब कुछ पता ही है, साक्षी शशि मैम हमारी सबसे पुरानी एम्प्लॉय हैं, ये तुम्हें ऑफिस के सारे एम्प्लॉय से मिलवा देंगी, इंट्रोड्यूस करवा देंगी, तो तुम एक काम करो सबसे मिलाओ, शशि मैम ये आपकी होने वाली मैनेजर हैं, तो इन्हें सबसे मिलवा दो। ठीक है शेखर जी सर। साक्षी मैम, वो मेरी सैलरी का टाइम हो गया है, मेरी सैलरी दे दीजिए। तुम्हें तमीज नहीं है क्या सुमित, कि कोई बंदा कहीं जा रहा हो तो उसको ऐसे टोकते नहीं है? और हमारे ऑफिस में ना सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग बटे हुए हैं, तो तुम आके सैलरी की बात मुझे क्यों बोल रहे हो? सैलरी का डिपार्टमेंट शशि मैम के पास है ना, तो उनसे जाके बात करो। सॉरी मैडम, गलती हो गई, जब मेरी छुट्टी होगी ना तब मैं मैडम के पास चला जाऊंगा। आगे से प्लीज ऐसी गलती दोबारा ना हो, समझ गए? अब हटो, मुझे जाना है। हेलो, कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अभी ना आपके पास सुमित आएगा अपनी सैलरी लेने के लिए,
तो आप उसकी सैलरी में से पूरे 5,000 रुपए काट लेना और बहाना ये लगा देना कि उसने पिछले महीने एक छुट्टी करी थी ना, तो ये 5,000 रुपए आपने उस छुट्टी के कट करे हैं। देखिए आप कुछ भी करिएगा लेकिन उसकी सैलरी कट होनी चाहिए, आगे का आप खुद संभाल लेना, समझदार हैं आप। अरे हाँ हाँ मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी और सुमित को तो ना मैं अच्छा से बॉक्स सिखाऊंगी, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है याद से, हाँ सैलरी कट चाहिए मुझे उसकी पूरे 5,000। गुड इवनिंग मैडम। हाँ गुड इवनिंग, बोलो क्या काम है। मैडम मेरे को साक्षी मैडम ने भेजा है आपके पास सैलरी के लिए। अच्छा हाँ, तुम्हारी सैलरी देनी है, ये लो। मैडम ये तो सिर्फ 10,000 रुपये हैं। 10,000 दिए हैं तो 10,000 ही होंगे, 50,000 तो होने जाएंगे। पर मैडम आपको तो पता है ना मेरी सैलरी 15,000 है, इसमें तो 5,000 रुपये कम है। सुमित सैलरी तुम्हारी 15,000 ही है लेकिन तुमने एक दिन की छुट्टी मारी थी ना, इसलिए 5,000 कट गए। मैडम मेरी सैलरी महीने की 15,000 है, मतलब एक दिन के हुए 500 रुपये, तो मेरी छुट्टी के 500 रुपये कटने चाहिए थे ना, आपने सीधा 5,000 रुपये काट लिए, ये कहाँ का रूल है मैम। हाँ सुमित कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, हमारी कंपनी का भी यही रूल है। हाँ मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कंपनी के रूल्स होते हैं, लेकिन मैडम मैं पहले भी छुट्टी करता था तब इतने पैसे नहीं कटते थे, लेकिन जब से आपका प्रमोशन हुआ है तब से इतने पैसे कट रहे हैं। और सुमित तमीज से मेरे बारे में ना फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को। और हाँ सुनो, पैसे नहीं मिलेंगे अब तुम्हें, जो कट गए तो एक बार कट गए, समझे। तुम्हें तो पता ही है ना मैं साक्षी मैडम की कितनी चाहती हूँ, मुझे कितना लाइक करती हैं, अगर मैंने उनसे तुम्हारी शिकायत कर दी ना वो तुम्हें एक मिनट में ऑफिस से बाहर निकाल देगी, समझा। मैडम देखिए ये चीज़ गलत है, आप मेरे को 5,000 रुपये दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे को उनके लिए दवाइयाँ लेनी है, समझिए बात को, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज़। एक बार ही बोल दिया ना पैसे कट गए तो कट गए, बार बार मत बोल, और जो बोलना है ना साक्षी मैडम से जाके बोल। मैडम मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है, सुन लीजिए ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। अरे तो दिमाग मत था, औरों की सैलरी भी देनी है मुझे, चल यहाँ से निकल। ठीक है मैडम, मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं साक्षी मैडम से बात कर लूँगा। अरे सुमित तुम अचानक से घर पे आ गए, कोई जरूरी काम था क्या। हाँ मैडम आपसे एक काम था, वो आपने मुझे शशि मैडम के पास भेजा था ना सैलरी के लिए, मैडम उन्होंने 10,000 रुपये दिए है बस, 5,000 रुपये काट लिए पता नहीं क्यों, वो 5,000 रुपये आप दे दीजिए, मुझे अपने गांव भिजवाने हैं, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे सुमित अगर शशि मैम ने तुम्हारी सैलरी में से कोई अमाउंट कट किया है तो ऑब्वियसली तुम्हारी साइड से कोई फॉल्ट रहा होगा ना, क्योंकि बेमतलब तो कोई किसी के पैसे कट नहीं करता, और अकाउंट का काम वो ही हैंडल करती हैं, सो आई कांट डू एनीथिंग। मैडम प्लीज आप दे दीजिए ना 5,000 रुपये, पता नहीं क्यों काट लिया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। नहीं सुमित प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम शशि मैम के पास चले जाओ। साक्षी आप प्लीज करवा देना 5,000 का इंतजाम, तू तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, याद है तूने उसने मेरी बेइज्जती भी नहीं करी थी और मेरा साथ दिया था, तू तो मुझे बहुत अच्छा मानती है, करा दे यार रिक्वेस्ट है तुझसे। बस कर यार सुमित, उस दिन मैं भी तेरा मजाक उड़ाना चाहती थी उनके साथ मिलके, और ये अच्छे बनने का नाटक ना अब मुझसे और नहीं होता। देख मैं तेरी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, वैसे भी तब मैंने तेरा मजाक इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि मुझे अपनी इमेज की टेंशन थी, मुझे लगता था अगर मैं तेरे आगे अपना असली रूप दिखा दूंगी तो पता नहीं तू मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट नाउ आई एम मैनेजर और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझ जैसा मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मेरे बारे में क्या सोचता है, इवन आई डोंट केयर। और हाँ अब तू जा, और तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो तेरे बस की है ना जो तू कर सकता है जाके कर, गो। पर साक्षी मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ यार, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ओ हेलो, मुझसे ना ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना कि निकल यहाँ से तो निकल, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के धक्के मरवाऊंगी तुझे। अरे क्या हुआ साक्षी, तेरा मूड क्यों खराब है। कुछ नहीं यार, अब मैं यहाँ पर शेखर की कंपनी में मैनेजर हूँ ना, तो फिर ये 4% के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सही है यार, तू वहाँ की मैनेजर नहीं, अगर देखा जाए ना तो तू वहाँ की एक तरह से मालकिन ही है,
शेखर को सही बेवकूफ बना रही है तू। और क्या यार, ऐसे लड़कों को बेवकूफी बनाया जा सकता है क्योंकि ये प्यार के तो लायक होते नहीं। सही कह रही है, प्यार तो तू मुझसे ही करती है। हाँ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए तो ये सब कर रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता। शेखर तुम यहाँ आने वाले हो, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ साक्षी, वो तुमने काम ही ऐसा किया है कि मुझे ऑफिस ही आना पड़ गया। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझे अप्रिशिएट करने आए हो, है ना? क्योंकि मैंने ऑफिस का काम बहुत अच्छी तरीके से संभाला और मैंने तुम्हारे सारे स्टाफ को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा है। साक्षी, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसी वजह से। क्या है सरप्राइज? वैसे साक्षी, सरप्राइज ये है कि अब ना तो तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह है, ना ही इस ऑफिस में। शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे कोई मजाक करने आए हो ना? तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम्हें अचानक से हो क्या गया? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे क्या हुआ साक्षी, तेरा मूड क्यों खराब है? शिखर, अब मुझे समझ में आ गया, इस 2% के सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें भड़का दिया है ना। मैंने इसकी 5,000 रुपए सैलरी क्या काट ली, इसने तुमसे जाके मेरी शिकायत कर दी और मेरे बारे में गंदा गंदा भड़का दिया होगा तुम्हें। और तुम इस 2% के सिक्योरिटी गार्ड की बातों पे बिलीव करके मुझे इतना सब कुछ बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो कि मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है? सीरियसली, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए, तुम्हें इस पे है? बकवास बंद करो अपनी तुम, मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा हूं। बल्कि मेरे को अब सच्चाई का पता चल चुका है कि जिस लड़की पे मैंने इतना भरोसा किया, जिस लड़की को मैंने अपने ऑफिस की कमान सौंपी, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, वो लड़की एक नंबर की धोखेबाज निकली। साक्षी, सच बताओ ना, अगर लाइफ पार्टनर तुम्हारे जैसा होगा तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें खुशियां देने की कोशिश करी, तुम्हारे लिए लॉयल रहा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, फिर भी तुमने क्या किया यार? धोखा। अरे अगर धोखा ही देना था तो नहीं करती ना मोहब्बत। और देखो, तुमने जो मुझे धोखा दिया है ना, उसका परिणाम क्या है? अब तुम मेरी जिंदगी से तो बाहर जा ही रही हो, साथ ही साथ जो तुम्हारे पास मैनेजर की पोस्ट थी, ये भी तुम्हारे हाथों से जा रही है। साक्षी, मेरी एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, अगर रिश्ते निभाने की औकात ना हो ना, तो कभी भी किसी रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए। अब निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। आई हेट यू। शेखर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज तुम मुझे एक मौका तो दो, एटलीस्ट गलती सुधारने का। मौका दे दूँ? अरे मौका तो तुम्हें तब दिया जाता जब तुमसे कोई छोटी मोटी गलती हुई होती, और वो भी अनजाने में हो गई होती। लेकिन तुमने तो जानबूझ के एक गुनाह किया है, और प्यार में बेवफाई करने की कोई माफी नहीं है। निकल जाओ यहां से, प्लीज गेट लॉस्ट। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कुछ लोग प्यार में धोखा देते हैं, जबकि उन्हें लॉयल्टी भी मिलती है, केयर भी मिलती है और एक सच्चा लाइफ पार्टनर भी मिलता है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ।